हमने सिमरन बहू के लिए हार बनवाया था, तो हम सोच रहे हैं कि जैसे ही वो आएगी तो हम उसे देंगे। चोखो है, उसने हमारे खानदान का नाम रोशन किया है, वो उसकी हकदार है। जा, जाकर ले आ। जी अम्मा सा। मासा को सब बताना पड़ेगा। मासा। आएंगे ढेर सारे खिलौने लाएंगे। यस यस मम्मी पापा आएंगे ढेर सारे खिलौने लाएंगे मम्मी पापा। मासा को कुछ नहीं पता। लवली दरवाजा खोलो। जी मासा। क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? मासा वो मैं बाथरूम में थी। कुछ चाहिए आपको? हाँ वो हमें चाबियां चाहिए थी, वो हमने जो सिमरन बहू के लिए गले का हार बनवाया था, तो हम सोच रहे कि आज वो आएगी तो उससे दे देंगे। जी मासा, मैं आपको चाबी रख दी। नहीं नहीं नहीं, हमें चाबी देने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और अलमारी से निकाल लो। वो सबसे ऊपर लाल डिब्बे में रखा है, जल्दी से लेकर नीचे आ जाओ। अब मासा को कैसे बताऊं कि सिमरन भाभी वो हार कभी नहीं पहन पाई थी। नमस्कार, मैं नेहा जी ने उसे। आज की ताजा खबर यह है कि पुलिस ऑफिसर सिमरन कौशिक ने जिस बहादुरी के साथ नक्सलियों का सामना किया, उसने पुलिस महकमे के साथ तमाम महिलाओं का सर भी फक्र से ऊंचा कर दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना वो नक्सलियों से जूझती रही। मम्मा, मम्मी, लड़ती रही और शहीद हो गई। मेरी मम्मा की जूते मैं सबको बता कर रहा था। दादी सा, जल्दी चलो, मम्मा टीवी पे आ रही है। अनु, दीपा, जरा बंद क्यों किया थी? अनु, वो हम बाद में देखेंगे। मैं सबको जाकर बुला कर लाती हूँ और सबको सरप्राइज देंगे। हाँ ठीक है। लवली क्या कर रही हो? कोई देख लेगा? ये कमरा हमने भैया और भाभी के लिए सजाया, हमारे लिए नहीं। थी? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बताओ मुझे, बोलो। ऐसा नहीं हो सकता लवली, भाभी बिल्कुल ठीक है। मैं बोल रहा हूँ लवली, ऐसा नहीं हो सकता, भाभी बिल्कुल ठीक है। कार्तिक, ये खबर झूठी नहीं, ये सच। ऐसी कोई बात होती तो पुलिस स्टेशन से हमें फोन आता। जयहिंद साहब, मैं बांडीकुड़िया पुलिस चौकी से बोल रहा हूँ। आपको सूचित करते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि इंस्पेक्टर सिमरन कौशिक नक्सलवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गई है और शिवेंदु सर जयपुर के लिए निकल चुके हैं।